पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे पर फैसलाबाद के अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इस वक्त नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल अहमद एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिलाल, देखें, हुकूमत की जानिब से मज़ीद पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया गया है। रात गए जो है अवाम पे पेट्रोल पम्प गिराया गया है, 26 रुपये फी लीटर तक जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, जिसके बाद पहली बार जो है वो मुल्की तारीख के अंदर पेट्रोल 332 रुपये लीटर तक जा पहुँचा है, जिसकी वजह से शहरियों का शदीद रद्द अमल हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है। फैसलाबाद के एक पेट्रोल पम्प पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरी जो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं वो शदीद गुस्से में हमें नज़र आ रहे हैं और हुकूमत को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मुश्किलात उनको पेश आएंगी। मुझे बताइएगा, पेट्रोल मजीद 26 रुपए महंगा कर दिया हुकूमत ने, क्या कहेंगे? हम दिन ब दिन पिस्से से पिस्से जा रहे हैं। 1000 रुपये मैं कमाने वाला दिहाड़ीदार हूँ, ठीक है। मैंने अभी 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है, तो यार मैं अपने बच्चों को क्या लेके दूंगा? हमको तो इन्होंने हमारे से तो रोटी का नवाला तक छीन लिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुश्किल फैसलों के नाम पे उन पे जो है वो आए रोज़ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई जो है वो मजीद ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। तो उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ फ्राहम करे ताकि जो गरीब तबका है ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं वो आसान हो सकें। जी,